बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद अपने सब देखने वाले दोस्तों को सलाम अर्ज करता है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम, ज़ूनोटिक बीमारी जो कि जानवरों से इंसानों को मुंतकिल हो सकती है, टैटनस या लॉक जा या इसे हम चांदनी कहते हैं, इसके बारे में है। ये बीमारी कैसे होती है, क्या क्या अलामात हैं, इसका इलाज, इसका सदबाब, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्यों यही आपकी हमारे लिए एक सपोर्ट है। तो जो टैटनस है, जिसको हम लॉक जॉ बीमारी भी कहते हैं, एक सीवियर एंड ऑफन फेटल डिज़ीज़ है जानवरों की, जिसका कॉजेटिव एजेंट जो है बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम टैटनाई है। ये जो बैक्टीरियम है ये सर्वाइव करता है इन्वायरमेंट में फॉर लॉन्ग पीरियड, स्पोर फार्म के अंदर, जो कि सॉयल में, ज़मीन के अंदर, मिट्टी में, डस्ट में, एंड एनिमल जो फीसिस हैं, जानवरों का गोबर है, फीसिस हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। सारे ही जानवर इससे मुतासर होते हैं, बट जो हॉर्स है ये स्पेशली पर्टिकुलरली सुसेप्टिबल है टैटनस के लिहाज से। ये बीमारी दूसरे जो डोमेस्टिक एनिमल हैं ये उनमें भी होती है। अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे पहला जो साइन है वो है स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। ये सबसे पहला जो साइन आता है, सिम्टम आता है, वो स्टिफनेस है इन हॉर्स की नेक में, गर्दन जानवर की अकड़ जाती है, उसको सख्त कर देती है, डिफ़िकल्ट टू ओपन द माउथ, और जानवर जो है स्वेलो नहीं कर सकता, निगल नहीं सकता कोई चीज़, और यही जो स्टिफनेस है ये फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में आगे ट्रांसफ़र होती है, प्रोग्रेस करती है। नंबर टू पे जो मसल स्पैज़म है, अफेक्टेड जो मुतासरा घोड़ा होता है वो मे एक्सपीरियंस सडन सीवियर मसल कंट्रैक्शन, और ये ज़्यादा और ट्रिगर होता है, इसमें शिद्दत आती है बाय सडन मूवमेंट्स और लाउड, जो लाउड हम आवाज़ देते हैं बहुत ऊंची आवाज़, तो ये उससे और मुतासर होता है। नंबर थ्री है सौ हॉर्स स्टेंस। जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है तो हॉर्स में स्टैंड विद देयर हॉर्स एक्सटेंडेड एंड स्टिफंड रिजेम्बलिंग अ सौ हॉर्स। जो नंबर फोर पे सबसे ज़्यादा विजिबल वेल नोन सिम्टम है उसको हम कहते हैं हॉर्स का जो जा है वो बिकम रिजिड, जबड़े जो हैं वो सख्त हो जाते हैं और जानवर जो है वो मुंह नहीं खोल सकता, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग ड्यू टू द मसल स्टिफनेस, या फ्लेयर्ड नॉस्टल्स या एलिवेटेड टेल, जानवर के नथने जो हैं वो फूल जाते हैं और जानवर जो है उसकी दुम जो है वो भी अकड़ जाती है। सेंसिटिविटी टू द साउंड एंड द टच, जब घोड़े को आप टच करेंगे तो उसको जानवर को तकलीफ़ होगी, कोई आवाज़ होगी ऊंची तो उससे भी ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ड्रोलिंग ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, मुंह के अंदर जिस तरह मैंने जब शुरू में देखा होगा घास खाने की कोशिश की लेकिन आगे इसने नहीं की और मैंने इसको अपने हाथ से वो निकाली है। प्रोलैप्स ऑफ द थर्ड आईलिड, ये जिस तरह एक जबड़ों का बंद हो जाना जिसको हम कहते हैं दंदल पड़ जाना, और जो प्रोलैप्स ऑफ द थर्ड आईलिड है ये बहुत ही विजिबल कन्फर्मेटरी जो है इसका जो है साइन और सिम्टम है। एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग,
जैसे ही बीमारी प्रोग्रेस करती है तो रेस्पिरेटरी फेल्योर जो है वो हो सकता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ दी रेस्पिरेटरी मसल, जो रेस्पिरेटरी मसल हैं उनका फालज हो जाता है। एंड रिकमेंसी, जिस तरह ये देखें बिल्कुल ये लेटा हुआ है, बाद की स्टेज में हॉर्स मे बी अनएबल टू राइज ड्यू टू द मसल रिजिडिटी एंड स्पैजम्स। काजेज जो हैं इसकी टेटनस की, नंबर वन है वून कंटेमिनेशन, ये जो प्राइमरी काज है टेटनस की घोड़े के अंदर, कंटेमिनेशन ऑफ अ वून बाय द टेटनस स्पोर्स, जो कि पंचर वूंड हो सकता है, लेसिरेशन है, सर्जिकल इंसिजन है, या इवन समथिंग एज माइनर एज स्क्रैच। जो डीप पंचर वूंड है स्पेशली देर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फुट, जैसे नेल है इन द होफ, क्योंकि जब हम खुरियाँ लगाते हैं शूइंग करते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैक्टीरिया वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करता है और टॉक्सिन पैदा करता है, या फिर एमलाइकल इन्फेक्शन है जो फोल घोड़े जी के बच्चे जो होते हैं कंट्रैक्ट हैं टेटनस थ्रू द इन्फेक्टेड एम्बलाइकल एम्बलाइकल जो स्टम्प्स होते हैं। अनसेंट्री सर्जिकल प्रोसीजर्स जो के किए जाते हैं अंडर नॉन स्टीराइल कंडीशन, या फिर डेंटल प्रोसीजर हैं विदाउट प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स कैन इंट्रोड्यूस द बैक्टीरियम। नंबर फाइव पे जो रिटेन्ड प्लेसेंटा है इन पोस्ट पार्चुरियन मेयर्स, बच्चा देने के बाद अगर जेर जो है प्लेसेंटा जो है वो रिटेन कर जाए तो इट कैन बी अ साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सी डिहाइड्रेशन है, इसके लिए हमने इसको नार्मेसलाइन और दा साथ बीच में न्यूरोटॉनिक जो है मल्टीविटामिन वो ऐड किए हैं। जब ये बॉटल पूरी होगी तो फिर मैंने इसको कैल्शियम भी इसको दी है। और इस तरह के घोड़े को डार्क एंड क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आँखों का मसला हो तो लुब्रिकेंट जो है वो लाजमी आँखों में लगाएंगे। सॉफ्ट एंड डीप बेडिंग जो करेंगे ताकि जो सोर हैं वो ना हो जाए इन रिकमेंड एनिमल में। फिज़िकल थेरापी जो है वो लाजमी करनी चाहिए। और रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो है इन एडवांस केसेस में हॉर्स माइट रिक्वायर रेस्पिरेटरी सपोर्ट। वैक्सीनेशन जो है वंस द हॉर्स हैज़ रिकवर्ड, जानवर ठीक हो जाए तो इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस। तो ये सारी बातें जो है हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। इस तरह के जानवर का बहुत ही हमें ख्याल करना पड़ेगा। जिस तरह ये देखें बोनी स्केलेटन बन गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। ये देखें साथ कैल्शियम थेरापी जो है वो भी दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।